हेलो फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखो, उम्मीद कर रहा था कि सब एकदम बढ़िया होंगे, और ये देखिए आज हमारे साथ जो एक लड़का और एक कन्या आई है, ये दोनों भी बढ़िया और भले चंगे दिख रहे हैं। पहले तो आप दोनों का हम सासू बेटियां के ई लाइव सेशन में स्वागत करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मोनी मौसी जी, शुक्रिया आपका भी शुक्रिया हमें बहुत बुलाने बहुत का। अच्छा जे बताइए, आप दोनों का नया गाना आया है, बढ़िया शुक्रिया। जोड़ी लग रही है, मतलब बड़ा ही रोमांटिक टाइप का गाना है। अपने दर्शकों को ये खुद गुड न्यूज खुद ही बताइए। सबा बताइए। हाँ जी, तो हमारा सॉन्ग है गुनाह कर दे, वो रिलीज हो गया और बहुत सारा एप्रिसिएशन मिल रहा है, अच्छा फीडबैक मिल रहा है। सो वी आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। उमर आप बताइए, मतलब आप कितने खुश हैं? ये आपका दूसरा गाना है, हमें लगा था म्यूजिक वीडियो। हाँ, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि अच्छे लेवल पे भी आया, जी म्यूजिक पे गाना आया है, और गाना बहुत अच्छा आया है, और एज अ म्यूजिक वीडियो जो बना है, वीडियो वो भी बहुत अच्छा बना है, और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, तो अच्छा लग रहा है। फीलिंग हैप्पी के दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अच्छे जा रहे हैं। आजकल तो देखिए म्यूजिक वीडियो का ही जमाना है, तो क्या कहेंगे, मतलब इतने बैक टू बैक गाना एक से बढ़कर एक लाना है, यही आप लोगों ने टारगेट बना रखा है। एग्जैक्टली, आई थिंक पैंडमिक में अभी तो आई थिंक एक दिन की शूटिंग रहती है और सब कुछ डिजिटली होता है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। अभी म्यूजिक वीडियो जो है वो लोगों तक भी पहुंचता है, बिकॉज सबके पास फोन है, यूट्यूब है, फ्री ऐप है, और 5 मिनट का गाना रहता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं है लोगों का। बिल्कुल तो आई सही। गेस इसीलिए अभी सारे आर्टिस्ट जो है ज़्यादा फोकस म्यूजिक वीडियो पे ही कर रहे हैं। अच्छा सभा, आपसे जानना चाहेंगे, मतलब आपने अभी कमर कस ली है म्यूजिक वीडियो पर, मतलब बैक टू बैक लाने की। अब एक्चुअली जैसा ट्रेंड चल रहा है अभी, सबको एंजॉय करते हैं म्यूजिक एल्बम। इनफैक्ट मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, इतने अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं और लोगों घर पे बैठे एंजॉय कर सकते हैं, तो बहुत मजा आता है कि ना शूट होता है, सॉन्ग आता है, फिर लोग रील्स बनाते हैं, इसे पसंद करते हैं, तो हम थोड़ी बहुत खुशियां दे पाए दर्शकों को, तो यही हमारा कोशिश है। अच्छा ये बताइए, देखिए म्यूजिक वीडियो का जमाना वापस आ रहा है, तो वो आपको अपने पुराने दिन याद आते होंगे कि स्कूल से पढ़ाई करके घर पे आई नहीं कि गाने चालू हो जाते बिल्कुल, वो 90s के सॉन्ग्स है ना जो सोनू निगम के चले थे, वो अलग फील आता था, वो वापस से आया है, तो ऐसे लग रहा है कि हमारा वो पुराना जमाना भी हम वापस से एंजॉय कर रहे हैं। सो अच्छा यार, आई मीन ना, इसके अलग अलग सॉन्ग और अलग अलग सिंगर जो है वो टैलेंटेड लोग हैं, वो बाहर आ रहे हैं। लाइक हमारे डॉक्टर साहब है, वही सो टैलेंटेड, एक्टिंग में कितना उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है। सो पीपल लाइक यू नो एंजॉइंग सो मच कि नए नए टैलेंट देखने को मिल रहे हैं थ्रू म्यूजिक एल्बम। या और आई नए नए थिंक टैलेंट। हाँ अब बोलिए हम बोलिए एक बोलिए। बात बोलेंगे, ये जो 2020 आया है ना, 2020 ने ना कई सारे, मतलब जितने भी अलग अलग प्रोफेशन के लोगों का टैलेंट जगा दिया है। ये देखिए डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है एग्जैक्टली काफी फ्री टाइम मिला है लोगों को, तो आई गेस सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, पहले दो लोगों की सेवा की, अब है ना एंटरटेनमेंट करके लोगों का मन बहला रहे हैं। क्यों रिया उमर? आई थिंक लोगों की वजह से, ये पहले एज ए डॉक्टर आप लोगों को ट्रीट करते हैं, एंड यू नो यू गेट द फीडबैक कि आप कैसा कर रहे हैं। अभी भी वैसा ही है, अभी भी यू ट्राइंग टू एक्ट, गाना है, कुछ सिलेक्शन करते हैं, एक प्रोजेक्ट तैयार होता है कि यू नो लोगों को पसंद आए, उसके बाद फिर जब बाहर आता है और अगर लोग अप्रिशिएट करें उसको, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ, जहाँ जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो सही है। बिल्कुल सही कही। और वैसे दिशा तो एकदम दोनों ने बराबर चुनी है। वैसे ये गाने के बारे में बताइए कि जो गाना है गुनाह कर दे, ऐसा कौन सा गुनाह किसने किया है और कौन किसको बोल रहा है कि भैया गुनाह कर दे? आई थिंक इस गाने में गुनाह सिर्फ सबा ने किया है, मैंने एक ही गुनाह किया है कि यू नो आई हैव मैरिड हर इन द म्यूजिक वीडियो। नो तो गुनाह कर दे, एक तो आई वुड से कि जो लिरिक्स है वो आसिफ ने लिखे हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं रेडियंस एंटरटेनमेंट, और गाना दीपेश ने गाया है। तो इसकी स्टोरी ऐसी कि लड़का लड़की कपल है, और तुम लेकिन सारी लड़की स्टोरी बहुत मत अमीर, बताना उमर, सारी अब तो स्टोरी नहीं बाहर आ थोड़ी गया बहुत। ना। अच्छा बाहर आ गया, चलो हाँ देख ठीक है, ले, हमने देख ली कौन क्या क्या गुनाह किया है, हम सब देख लिए हैं। लिया देख लिया जहां जो आप तो गुनाह बाहर आ किया है। गया।
मैं अपना बोलता हूँ, मेरा गुनाह ये था कि लड़की का गुनाह ये कि उसने लड़की के साथ एक बेइंतहा प्यार किया, लेकिन एक गुनाह और था कि वो ओवर प्रोटेक्टिव और इनसिक्योर हो गया, बहुत ऑब्सेस्ड हो गया वो इस लड़की को लेके, तो वो गुनाह मेरा था। लड़की का गुनाह सबा बताएगी क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया गुनाह। हाँ, नहीं नहीं नहीं, लड़की ने कोई नहीं गुनाह किया, लड़की बेचारी चाह रही थी कि कुछ करे लाइफ पे, जो हस्बैंड है वो बहुत प्यार करता है लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव था, तो उसने लड़की ने स्टैंड लिया कि नहीं अभी मुझे तो कुछ करना ही है, तो वो बेचारी लेकिन इस गाने ने ना बड़ी मतलब मजेदार सस्पेंस रखा है शुरुआत में, जिस तरीके से सबा ने अपनी एग्जिट मारी है आपकी जिंदगी से, ऐसा लग रहा है कि जे सबसे बड़ा गुनाह करके गई है, इन्होंने बहुत गलत काम किया है। ये कितना सुनने को मिला है सबा आपको? अरे नहीं नहीं, ताना नहीं सुना, अच्छी कमेंट्स आ रहे हैं, सब बोल रहे कि हाँ लड़की ने अपने लिए स्टैंड लिया है तो अच्छी बात है। सो आई थिंक ये दो बेसिकली सॉन्ग के अंदर है ना कि दो माइंडसेट, जो कैरेक्टर उनके दो माइंडसेट के बारे में दिखा रहा है, एक लड़की एम्बिशियस है और एक लड़का है वो प्यार करता है, प्यार में बहुत बेंटा प्यार करता है, तो दो माइंडसेट को दिखा रहा है। आई थिंक इस गाने के एक बहुत अच्छी थीम में से मैसेज मिलता है कि आप दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो लाइफ अच्छी रहेगी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। सो इट्स अ गुड मैसेज फॉर द ऑडियंस आल्सो। जी हाँ, आप क्या कहेंगे ओमो? मैं ये बोलूंगा कि जो जैसा लड़का बिहेव करता है तो आई थिंक वैसा किसी लड़के को करना नहीं चाहिए, मतलब कि ब्रेकअप हो गया और यू नो वो क्रेजी हो जाता है, साइको हो जाता है। आई थिंक मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए रिलेशन में दोनों को। आई थिंक यू शुड गिव टाइम टू योर बेटर हाफ, पूरा टाइम लीजिए उनको, अगर उनकी एम्बिशन है तो उनको सपोर्ट कीजिए उस चीज़ में। आई थिंक इसका इस म्यूजिक वीडियो का जो मेन क्रक्स है वो यही है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसा नहीं है लड़की है तो यू नो वो घर पे रहेगी, उसके भी एम्बिशंस है तो वो भी बाहर जाके काम करना चाहती, तो हस्बैंड या फिर बेटर हाफ जो है दे शुड ऑलवेज बी सपोर्टिंग, चाहे चाहे भाई हो चाहे फादर डॉटर रिलेशन हो, ब्रदर सिस्टर रिलेशन हो, तो आई थिंक मेल शुड ऑलवेज सपोर्ट द फीमेल। तो आई थिंक ये बहुत सोशल अच्छा मैसेज है इसमें। चलिए, मैसेज भी है और खूब सारा मनोरंजन भी और खूब सारा रोमांस भी है। अच्छा ये बताइए, शूटिंग के कुछ किस्से बताइए, जब आप शूटिंग कर रहे थे और रोमांस करने के लिए जब आपको बोला गया तो आप लोगों का सबसे पहले मतलब क्या था कि कैसे रोमांस किया जाएगा, किस हद तक मतलब दर्शकों को दिखाया जाएगा रोमांस? नहीं, मैं और आई थिंक मैं और उमर सोच रहे थे कि हम ऐसा रोमांस करें कि जो नॉर्मल लोग हैं सब सारी जनता बैठ के फैमिली देख सके, तो हमारा वही था कि हमें ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं करना है, ऐसा करना जो फैमिली देख सके बैठ के, इनफैक्ट उमर की फैमिली देख सके, मेरी फैमिली देख सके और आपकी सबकी फैमिली देख सके, तो हमारा यही कोशिश रही है सॉन्ग के अंदर। अच्छा उमर, जब रोमांटिक, हाँ बोलो बोलो। हाँ मतलब जब ऐसा था, पहले तो मैं पहला प्रोजेक्ट था और मैं तो बहुत घबरा रहा था बात नहीं थी हमारी, क्योंकि वो डायरेक्टर जो रहते हैं, डायरेक्टर दे आर वेरी प्रोफेशनल राइट, उनको वो सिर्फ सीन के बारे में सोचते हैं, तो वो डायरेक्टर पीछे से विस्पर कर रहे हैं हाँ यू नो किस सर, मैंने कहा नहीं भाई इतना ही ठीक है इसके आगे नहीं। तो हम एक सीन वो भी है जिसमें यू नो चादर लपेटी है, तो वो भी थोड़ा क्लोज सीन है, तो बट उसमें भी वी ट्राई टू मेंटेन एक मेंटेन, ऐसा ना हो कि बस हम म्यूजिक वीडियो के पीछे यू नो यू आर डूइंग ओवर, तो वो चीज हम आई मीन वी बोथ वर एक्चुअली टेलिंग ईच अदर कि हम इतना तक करेंगे जो अच्छा भी लगे और वो जो क्रॉस भी ना हो एक लाइन। अच्छा यहाँ तो आपने बता दिया, लेकिन रियल लाइफ के बारे में बात करते हैं। उमर आपसे पहले शुरुआत करेंगे, कोई लड़की है लाइफ में? सी लाइफ में ऐसा मतलब ऐसा नहीं है जैसा म्यूजिक वीडियो में है, वैसा मैं नहीं हूँ ऐसा लाइफ में कि लड़की गई और शराब पीने शुरू कर दिया। अच्छा एक्चुअली तो वैसा रहा नहीं, मैं देखा जाए जैसा लड़की है इस म्यूजिक वीडियो में, मैं वैसा में बड़ा एम्बिशियस हूँ अगर मैं एक रिलेशनशिप में भी हूँ, बट मेरा ऐसा नहीं रहता है कि बस मेरे लिए जो अगला है वही मेरे लिए जिंदगी है, मेरे लिए मौत है, वैसा नहीं है मेरे लिए। तो मैं बैलेंस लेके चलता हूँ, इवन इफ लोग जो आए हैं मेरी लाइफ में और वो गए हैं, ऐसा नहीं है कि यू नो आई हैव गॉन मैड और आई हैव गॉन इनटू सब्सटेंस अब्यूज,
तो मेरा कैरेक्टर जो इसमें वैसा नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाला, आई एम गाय, तो मैंने हमेशा प्रेफरेंस की कि आई नो यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड, बाकी लोग आते हैं, बट ऐसा नहीं, बट राइट नाउ आई एम इन अ स्टेट कि नो आई एम नॉट कमिटेड इन एनी रिलेशनशिप, बट आई वॉज बिफोर, और ऐसा हुआ है कि यू नो आप व्हेन गर्ल वांटेड समथिंग एल्स, यू वांट समथिंग एल्स विद योर लाइफ, तो वो कभी मैच नहीं होता है, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती, तो यू सेपरेट जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस. तो देखा जाए अभी वैसा कुछ कमिटमेंट नहीं है, अभी तो एकदम वर्क की तरफ काफी फोकस हूँ, बिकॉज अभी इतने ऐसा ब्रेकअप्स हो चुके हैं कि अब ऐसा है कि यू नो व्हिचएवर गर्ल आई फाइंड आई वांट टू टेक दिस यू नो अब लंबा मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ फ्लिंग्स या वैसा हो, बिकॉज अब आई एम इन अ स्टेट राइट नाउ कि आई जस्ट वांट समथिंग कि वो लंबा चले. सब आपसे यही चीज जानना चाहेंगे, आपकी लाइफ में कोई है हीरो? नहीं अभी आएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं छुपाऊंगी, तो इंशाल्लाह. नहीं वो तो मैं, वो मेरा कैरेक्टर है, वो मेरा कैरेक्टर था, वो तो मुझे अपनी शिद्दत से देखना था. लेकिन लाइफ में देखिए जब टाइम आएगा तो डेफिनेटली जब इंसान की लाइफ में कुछ होगा तो बताया जाएगा आप सभी को, सब आपको तो शेयर करूंगी मैं आपसे, सबसे पहले आपसे. चलिए देखिए, गुलाब छोड़ के गई थी, प्रेम से गई थी भाई उमर, मतलब वीडियो देखेंगे तो कितना प्यार से गई है, वो भी अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए, और वापस भी आई अपने पति को भी ट्रॉफी दिखाने के लिए. मुझे अच्छा लगता अगर ये एक कप चाय छोड़ के जाती है. मतलब देखिए, चलिए उमर बातों ही बातों में आप लाइफ से मैं बता रही हूं, मैं शौकीन हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उठता और चाय वगैरह होती तो मुझे अच्छा लगता है कि चलिए कुछ ख्याल रख के गई, बट वो गुलाब का फूल का मैं करूंगा क्या? नहीं, गुलाब का फूल देख के खुश तो हो गए थे, ऐसी बात नहीं, यू आर सो हैप्पी, वाओ, एंड देन चेंज ऑफ इमोशन बैक. लेकिन एक बात बोले रियाज, उमर देखो तुम्हारा सरनेम भाई मुंह में आ रहा है. हेलो हेलो उमर, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? नेटवर्क ठीक है क्या? हेलो उमर. हाँ उमर, आई थिंक हमें लगा था उमर को सुनाई नहीं दे, लेकिन चलिए बात हुई बात में उमर ने, हाँ आ रही है, उमर ने जे बता दिया कि इनको इनकी जिंदगी में जो भी लड़की आएगी अगर वो चाय बनाकर देगी ना. अच्छा अच्छा, तो चलिए कोई नहीं, एक काम कीजिए ना आप, है ना, लीव करके वापस से ज्वाइन कीजिए. हमें लगा हम तक बात नहीं पहुंच रही. अच्छा सवा ये बताइए, अगर किस्सों की बात की जाए शूटिंग के, तो आप कोई किस्सा है जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जो शूटिंग के दौरान हुआ हो? नहीं बहुत, पहले तो हमें बहुत मजा आ रहा था कि हम साथ में शूट करें, तो मैं उमर के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही थी, तो उमर मैं देख रही थी उमर कैसे अपने आप को तैयार करता है, यू नो प्रिपेयर करता है शूट के लिए. सो वो मॉर्निंग आया एकदम, यू नो, एंड ही वाज लाइक डूइंग एक्सरसाइज, पुशअप लगा रहे, बड़े बड़े वेट्स लगा रहा है, एंड आई वाज सरप्राइज्ड, एंड आई फाइंड इट रियली रियली नाइस एंड क्यूट ऑल्सो कि यू नो ही इज सो मच इनटू द यू नो एक्टिंग, और शूट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व था. हर सीन से पहले उमर 5 से 10 पुशअप लगाता है गाइस, आप सबको बता दूं मैं, तो दैट्स हिज प्रिपरेशन. देख बोला जाए, डायरेक्टर ने एक्चुअली पहला शॉट ही बोला था कि आप बिना टी शर्ट के हो, तो सुबह सुबह कॉल टाइम था, तो पहला इंप्रेशन, हाँ, तो मैंने कुछ खाया भी नहीं इसी बहाने की ज्यादा ब्लोटिंग ना लगे, पेट ना बाहर दिखे, तो सुबह से मैं एक्सरसाइज किए जा रहा था. अच्छा देखिए, इससे ये पता चले काम के प्रति कितना प्यार है. अच्छा ये बताइए, ये गाने, और एक चीज और मैं बताता हूँ कि काम के प्रति प्यार, ऐसे शूट पे हम दोनों पहले पहुंच गए थे और डायरेक्टर और टीम बाद में आई थी. कितने समय की पाबंदी, प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल, बढ़िया है, ये होना चाहिए, आगे चल के यही तरक्की पर, मतलब तरक्की तक ले जाता है. अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये गाना तो सभी को मतलब भा रहा है, हमने तो देखा, हमको भी अच्छा लगा, पर हमें शुरुआत में नहीं अच्छा लगा, लेकिन बाद में अंत उसका थोड़ा सा सैड लगा, पर ये बताइए उसका जो एंड है, एंड ने ये बताया है कि आगे दूसरा सीजन वाला गाना जरूर आएगा और दोनों का साथ में आएगा, आसिफ जी से, तो हमने इनसे डिस्कस किया कि इसका हो सकता है, यू नेवर नो,
कि आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एंड था ना उससे लग रहा है कि कुछ आ सकता है। आई विल नॉट टेल, आई विल टेल आसिफ, वो बताएंगे आपको। I think वो जो लास्ट सीन है उसमें पता चल गया कि लड़का जो आप अपना आपा खो चुका है, और वो आती हैं गले लगती हैं, पर फिर भी वो सब मूर्ति से ही खुश है, क्योंकि वो अब गुलाब देके नहीं भागेगी मूर्ति। मूर्ति से खुश हो गया, मूर्ति से खुश हो गए हैं, लेकिन अभी देखिए मीनू मूर्ति आइडिया दे रही है, क्योंकि हाँ आइडिया अच्छा है, हम प्रोड्यूसर को बताएंगे अपने। जो है विल नॉट डिमांड एनीथिंग, ना कपड़े ना गहने ना बाहर नहीं, लेकिन देखिए मूर्ति रोज नहीं देगी लेकिन हमारे, अरे हमारी बात सुनो, पहले गाने में उमर थोड़े से परेशान हो गए थे जो उनका किरदार था, और आप अपना एम्बिशन पूरा करने गए थे, अब आपका नेक्स्ट टारगेट है उमर का दिमागी हाल ठीक करने का है। गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया। आसिफ जी सुन लीजिए, मेरा इलाज हो रहा है, और जो शराब का नशा हो चुका है उससे मैं से पागल हो चुका हूँ, अब जे निकाले कि आपको बाहर, मेरे को नहीं, मेरे को शराब चाहिए, शराब चाहिए। दूसरे अच्छा आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, मतलब ये गाने के अलावा और कितने कितने म्यूजिक वीडियो या फिर वेब सीरीज, कुछ नया प्रोजेक्ट है सब आपके पास? देखिए एक दो प्रोजेक्ट पे बात चल रही है, वो भी सीरियस डिस्कशन चल रहा है, सो जैसे ही कंफर्मेशन आती है कॉन्ट्रैक्ट साइन वाइन कर लूंगी मैं, फिर डिस्क्लोज करूंगी। सो अभी एक सीरियस डिस्कशन चल रहा है, एक वेब का चल रहा है और गाने का चल रहा है शूट का, तो जैसे ही होता है कंफर्मेशन आई विल लेट यू नो। ओके अच्छा जी उमर आपसे जानना चाहेंगे, देखिए दो म्यूजिक वीडियो में तो आ गए हैं, और आपका कद काठी इतना अच्छा है और चेहरा इतना प्यारा प्यारा है, तो जी बताइए वेब सीरीज में ट्राई वराई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, ऑडिशन वगैरह से आता है कि लोग टेस्ट चाहता है तो वो भेजते रहते हैं, तो अभी क्योंकि इतना आई हैव नॉट शोन माई सेल्फ एज एन एक्टर, म्यूजिक वीडियो है तो थोड़ा आई जस्ट वांट कि एक दो वीडियो और है, ताकि पीपल शुड गेट टू नो कि यस दिस गाय कैन एक्ट, तो मैं अभी बिल्कुल ऐसा वेब सीरीज बिल्कुल, बट दिस गाय कैन एक्ट फॉर श्योर, दिस गाय कैन एक्ट फॉर श्योर। मेनस्ट्रीम में जाने से पहले तो ऐसा म्यूजिक वीडियो की बात है, जैसे शायद नेक्स्ट मंथ है कुछ शूट करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ दो तीन आए ताकि लोगों को लगे नहीं ही इज कॉन्फिडेंट इनफ, ताकि वो दे कैन बिलीव इन मी एंड दे कैन कास्ट मी। आई थिंक देखिए उम्मीद कभी ना छोड़िएगा, आप कहते हैं सफलता तो जरूर मिलेगी, और साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों ने बताया आप प्रोफेशनल हैं, तो जरूर मतलब आगे आने वाले दिनों में हम आपको छोटे पर्दे पर तो जरूर देख ही लेंगे, छोटे नहीं तो बड़े पर्दे पर तो देखा ही लेंगे वैसे इंशाल्लाह। साज और बेटिया के साथ आप दोनों आए, बातचीत की, अपने गाने के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद उसका, आपका भी थैंक यू सो मच मिनी मौसी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें मौका दिया शो पे आने के लिए और हमारे गाने के बारे में बात करने के लिए, तो मौसी जी का धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और बाकी देखिए जाने से पहले हमारे एक ही मतलब कही हम एक ही बात कहते हैं कि मैया सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इन्फॉर्मेशन खूब मिलेगी यहाँ, है ना सही कही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग सब्सक्राइब करते हैं, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत स्वीट है मीनू मौसी, बहुत प्यारी है, साथ ही में हमारा सॉन्ग भी देखिए और देखिए। चलिए चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय बाय, नमस्ते नमस्ते।